बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है स्प्रिंग रोल्स। सब्सक्राइब कीजिए बेलास कुकिंग को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए इजी और शॉर्ट रेसिपी के लिए। एक कप बारीक चिकन और कीमा, 1.5 कप उबले हुए नूडल्स, 1 कप भर कर बंद गोभी चाहिए, 2 गाजरें बारीक कटी हुई, 1 चाय का चम्मच भर कर काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, टेस्ट मेकर, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/2 कप स्प्रिंग ऑनियन लीव्स। और इस तरह से जो रोल की एक शीट आती है, रोल की जो मांडा पट्टी आती है, वो इस्तेमाल की है। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। कढ़ाई में तकरीबन डाल दिया है 1 खाने का चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया है तो इसमें डाल दिया है 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे कुछ देर के लिए पकाएं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे चिकन कीमा, 1 कप कीमा है ये। और इसे डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से ऐसे भूनना है कि चिकन कीमे का कलर जो है वो चेंज हो जाए। मैंने यहाँ पर कीमा इसलिए इस्तेमाल किया है कि हमारे रोल झटपट बन जाएं। अगर आप चाहें तो आप श्रेड चिकन भी ले सकते हैं 1 कप, क्योंकि झटपट रेसिपी है तो इसमें मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं ली जिसमें टाइम लगेगा उबलने में या उसे पकने में फिर उसे श्रेड होने में। तो फटाफट से चिकन कीमा ले लिया है और इसे ही मैंने पकाया है ताकि जल्दी से हमारे रोल तैयार हो जाए रमज़ान में। अब देखें, कीमा अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें डाल दिए हैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 2, और साथ इसमें डाल दी हैं स्प्रिंग ऑनियन लीव 1/2 कप बारीक कटे हुए, गाजरें 2 बारीक कटी हुई बड़े साइज़ की हैं ये, और भर कर जो मैंने बंद गोभी ली थी बारीक काटी है इसे ग्रेट किया हुआ है वो भी डाल दिए हैं। और इसमें डाल दिए मैं तकरीबन 1.5 कप मैंने नूडल्स को उबाला है, यानी कि 1 पैकेट प्लस 1/2 पैकेट, 1.5 पैकेट जो है मैंने नूडल्स इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर। और टेस्ट मेकर मैंने पूरे दो ही लिए हैं। और नूडल्स को अच्छी तरह से खोलते जाएं, उसे मिक्स करते जाएं, क्योंकि इसकी मिक्सिंग थोड़ी मुश्किल है। और साथ इसमें डाल दिया 1 चाय का चम्मच भर का काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, टेस्ट मेकर दोनों मैंने पैकेट ले लिए थे और ये भी डाल दिए हैं। और क्योंकि टेस्ट मेकर में नमक होता है तो नमक डालने से बहुत एहतियात करनी है आपको डालते हुए कि इसमें नमक ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, नमक एहतियात से डालें। टेस्ट मेकर में नमक बहुत तेज़ होता है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये रोल बहुत ही वाकई में मज़े के बनते हैं, टेस्ट मेकर से इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है। तो आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरह मैंने बनाया इस तरह ज़रूर बनाइएगा। अच्छी तरह से इसे पकाना है कि ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये देखिए, मैंने इस तरह से मैदे को घोल लिया है पानी में और एक थिक सा मैंने एक मिक्सचर तैयार कर लिया है जिसे लई भी कहते हैं। और ये रोल की जो एक शीट आती है वो ले ली है मैंने, रेडीमेड है ये। अब इस पर तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर कर स्प्रिंग रोल के जो हमने बना के रखा है मिक्सचर वो डालना है, 2 खाने के चम्मच भर कर डालना है। और इसे पहले सेट कर लें अच्छी तरह हाथों की मदद से और फिर इस तरह से आपने इसे पैक करना है। ये देखें, इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसे पैक करना है। और इस तरह से जो इसका ये हिस्सा है हम यहाँ पर लगा देंगे लई और इसे अच्छी तरह से पैक कर देंगे। इस तरह देखें, इस तरह करके हम तमाम रोल्स बना लेंगे रमज़ान में। आप रमज़ान से पहले ये रोल बना के फ्रीज़र में रखते हैं
और टेस्ट वाकई में बहुत बेहतरीन होता है इसका, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत हेल्दी एक रेसिपी है ये, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा है इसके अंदर। तकरीबन हर घर में ही स्प्रिंग रोल रमज़ान में बनते हैं और खाए जाते हैं, और ये अच्छे भी होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की रेसिपी है। इस तरह करके हम तमाम रोल्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से तमाम रोल्स हम तैयार कर लेंगे। ये देखें तमाम रोल्स तैयार हो गए हैं, इतने बैटर में, इतने इंग्रेडिएंट्स में मैंने बनाए हैं 13 रोल्स तकरीबन। और इस तरह से मैंने एक ज़िपलॉक बैग ले लिया है इसे फ्रीज़ करने के लिए, और इस तरह करके बैग में ही आपने ये रोल्स डालने हैं। एक के ऊपर ओवरलेप नहीं करना है इसको, लंबा लंबा लगाना है इसे एक लाइन में, और फिर इसे बैग पैक करके जितने रोल आ जाएं आपके बैग में फिर इसे आप फ्रीज़र में रख दें। इसकी जिप लॉक बिल्कुल पैक करके आप इसे फ्रीज़र में रख दें, ये फ्रीज़ हो जाएंगे। तेल पहले से मैंने कढ़ाई में गर्म होने रख दिया था, तेल बहुत अच्छी तरह गर्म है, और आप इसमें रोल डाल के फ्राई करना है। तेल को बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना, हाई हीट पर इसे बिल्कुल गर्म नहीं करना, वरना आपके रोल जाते ही जल जाएंगे। तेल गरम होना चाहिए मगर बहुत गरम नहीं होना चाहिए। अब इस तरह करके आप इसे एहतियात से पलटते रहें। और जैसे ही इस पे एक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसे निकाल लें। बहुत क्विक और सिंपल सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो ज़रूरी से बनाइएगा। बस इस तरह से आप पलटते रहें और इसे ब्राउन करते रहें, क्योंकि एक अच्छा सा कलर आ जाए बस आपने इतना ही ब्राउन करना है इसे। और आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है हमारे रोल पर। अब इसे निकाल लें। बहुत क्विक झटपट बनने वाली और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। रमज़ान की तैयारियां हर घर में शुरू हो चुकी हैं, तो बनाइए इसे, लीजिए बहुत ही मज़े के और झटपट बनने वाले स्प्रिंग रोल हैं तैयार। तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।